हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अखिलेश और मेरे इस यूट्यूब चैनल SJU यानी शॉप गुड्स अनबॉक्सिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आया हूं जो कि है हेल्थ से रिलेटेड और बहुत ही उपयोगी प्रोडक्ट है। वो है एमवे का मिटोलाइट फाइबर। ये प्रोडक्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का मैं आपको पूरा डेमोंस्ट्रेशन दूंगा, पूरा उसके बारे में बताऊंगा, इसमें क्या न्यूट्रिशन है, क्या इसमें फायदे हैं, ये सब बताऊंगा आपको। तो प्लीज मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको इस फाइबर के न्यूट्रलाइट फाइबर के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे SJU चैनल को और बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको और अच्छे वीडियोस मिल सके। एमवे न्यूट्रलाइट फाइबर। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एमवे का न्यूट्रलाइट फाइबर है और आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये हमें क्यों लेना चाहिए, क्यों ये हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा लेकिन बाद में। तो चलिए अभी चलते हैं इसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन की ओर, जो इस प्रकार से है। इसकी 4.5 ग्राम की एक स्कूप की सर्विंग है, जिसमें एनर्जी है 9 कैलोरीज, प्रोटीन है 0.009 ग्राम, टोटल फैट है 0.0135 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट है 4.15 ग्राम, सोल्यूबल डाइट्री फाइबर है 3.7 ग्राम, डाइट्री फाइबर फ्रॉम रेजिस्टेंस मेल्टोडेक्सट्रिन है 1.27 ग्राम, डाइट्री फाइबर फ्रॉम पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड गोरगम 1.11 ग्राम, डाइट्री फाइबर फ्रॉम इनोलेन 1.32 ग्राम। फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी को फाइबर की रिक्वायरमेंट है, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक सोल्युबल फाइबर और एक इनसोल्युबल फाइबर। सोल्युबल फाइबर हमारे पेट में जाकर के जेल फॉर्म का हो जाता है, जिससे हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, हार्ट डिजीज नहीं होती और बहुत कुछ हमारी बीमारियों से हम बचे रहते हैं। और इनसोल्युबल फाइबर हमारी बॉडी के वेस्ट को सॉफ्ट करता है ताकि स्टूल इजी वे में पास हो और कॉन्स्टिपेशन ना हो। और अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रलाइट ही क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये प्योर है और हमारा खान पान बहुत खराब है और जो हम प्योर समझ के खा रहे हैं वो भी पेस्टिसाइड से बना हुआ है, तो प्योरिटी मिल ही नहीं पाती, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और लाइफ स्पॉइल हो जाती है। चलते हैं इसकी प्राइस की ओर। ये आपको 28 करोड़ से 953 का पड़ेगा और साथ ही साथ इसके पीछे 10% का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो हमेशा से ऑथराइज स्टोर से ही खरीदिए, इससे ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, तभी उसके फायदे भी मिल सकेंगे आपको। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इसके डेमो की ओर, जिसमें मैं आपको न्यूट्रलाइट फाइबर से किसी और कंपनी के फाइबर को कंपेरिजन करके दिखाऊंगा। आपको उन दोनों का मैं डेमो दूंगा और डेमो करके बताऊंगा, जिससे आपको ये विश्वास हो जाएगा कि न्यूट्रलाइट ही फाइबर क्यों लेना चाहिए हमें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इसके डेमो की ओर। और चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे हिट कीजिएगा ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकूं सबसे पहले। फ्रेंड्स, ये 2 ग्लास पानी का है जो कि एक नॉर्मल वाटर है और ये भूसी है, जिसे हम सिलियम हस्क भी कहते हैं इंग्लिश में, और ये न्यूट्रलाइट का फाइबर है। ये दोनों फाइबर हैं, पर दोनों कंपनियों के अपने अपने बनाने के तरीके हैं। तो चलिए इन दोनों ब्रांड के फाइबर को अलग अलग पानी में मिक्स करके देखते हैं कि क्या होता है। ये एक स्कूप जो 4.5 ग्राम का होता है न्यूट्रल फाइबर को एक ग्लास में मिक्स करूंगा और इसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। और एक स्पून जो कि 5 ग्राम का होता है भूसी को एक ग्लास में मैं मिक्स करूंगा। इस डेमो को देखकर आप खुद ब खुद तय करेंगे कि हमें कौन सा फाइबर यूज करना चाहिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए, ये एक स्पून 4.5 ग्राम का है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और अब इसे इस ग्लास में डाल देते हैं। देखिए, ढक्कन खुल गया है और इसे अब इस ग्लास में डाल देते हैं। ये इसमें डाल दिया
और ये एक स्क्रूप 4.5 ग्राम का है जिसे मैंने आपको पहले बताया। चलिए सब इसे डाल लेते हैं और अब इसका ढक्कन जो है इसको बंद कर देते हैं ताकि जो है खुले में खराब ना हो फाइबर। ढक्कन मैंने बंद कर दिया इसको। और ये एक स्पून 5 ग्राम का है, इसे भी दूसरे ग्लास में डाल देते हैं। इन दोनों ग्लास को मिलाने के बाद और 30 सेकंड वेट करने के बाद आपके सामने ये रिजल्ट है। देखिए इस ग्लास को जिसमें न्यूट्रलाइज फाइबर मिलाया गया था वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया है और पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें कुछ मिला है कि नहीं। साथ ही साथ ये आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लीन वॉटर। और आपके सामने मैंने इसमें 4.5 ग्राम का एक स्कूप न्यूट्रलाइज डाला था। और ये देखिए एक ग्लास जिसमें नॉर्मल भूसी डाली गई थी जैसे हम सिलियम हस्क भी कहते हैं इंग्लिश में, और उसको मिलाने के बाद आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुआ है और अभी तक इसकी पूरी जो परत है ऊपर तक जमी हुई है। अगर आप इस फाइबर को यानी इस नॉर्मल भूसी को अगर आप लेंगे तो आपके पेट में क्या इफेक्ट करेगी इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जो ये भूसी है वो हमारी आंतों में चिपक जाती है जिससे हमारा जो पेट है जल्दी साफ नहीं होता और दिन भर भारीपन द्वारा रहता है, ये इसमें दिक्कतें आती है। और ये जो न्यूट्रलाइज का जो फाइबर है जिसे हम सॉल्युबल फाइबर कहते हैं उसको लेने के बाद आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने कुछ लिया भी है या नहीं और ये हमारी आंतों में भी नहीं चिपकता है और लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन दोनों में काम आता है। साथ ही साथ अगर आपको कोई एसिडिटी हो रही हो अगर आप इसको अगर नॉर्मल न्यूट्रलाइज फाइबर को अगर आप ले लेंगे तो ये आपको आपकी एसिडिटी को भी ठीक करेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन में हिट कीजिएगा ताकि आपको और अच्छी वीडियोस मिल सके सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।